नमस्कार, स्वागत आपका NBSC न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ टीना सरिया जी मौजूद हैं, मैं बखूबी उन्हें जानती हूं और जितना मैं जानती हूं वो हमेशा से एक समाज सेवी के तौर पर काम करती रही है, चाहे अनाथ बच्चे हो, चाहे बेघर लोग हो, बेसहारा लोग हो, लेकिन आज वो एक माँ बनकर खुद अपने लिए लड़ रही है, अपने बेटे के लिए लड़ रही है। तो टीना जी, मैं आपसे ये जानती हूँ कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्या हुआ था पूरा मामला, सबसे पहले दर्शकों को वो बताइए। मेरा बेटा हांसविक, जिसे हम घर में लड्डू बोलते थे, वो 7:30 बजे स्कूल गया था। 7:40 पर वैन वाले का फोन आया कि बच्चे को उल्टी हो रही है, तो आप इसको ले जाओ। हम 10 मिनट में चले गए, बच्चे को लेकर आए, आकर घर में हमने कुछ उसको खिलाया। खिलाने के बाद उसको फिर से एक उल्टी हुई और थोड़ी देर बाद मैंने उसके पापा को बोला कि 10 से 15 मिनट बाद मैं और उसके पापा लेकर ओम चाइल्ड हॉस्पिटल है हमारे नियर बाय, वहाँ लेकर चले गए। डॉक्टर ने बोला कि इसको फूड पॉइजन हो गया, तो आप इसकी अपन टेस्टिंग कर लेते हैं। उसकी टेस्टिंग की, टेस्टिंग में कुछ नहीं आया। फिर मेरे बेटे ने बोला कि मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर ने बोला डिहाइड्रेशन हो गया शायद, तो उसको ड्रिप चढ़ा देते हैं। उसके ड्रिप चढ़ा दी, फिर भी उसके कुछ सर में दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि आप इसको बड़े सेटअप मणिपाल ले जाओ। हम लोग उसको मणिपाल ले गए। मणिपाल में जब डॉक्टरों ने देखा तो बोले कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, इसको ये कोई ऐसे डर की वजह से कर रहा है एग्जाम में। मैंने कहा बेटा मेरा डरने वाला नहीं है सर। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो उसकी हम MRI कर लेते क्योंकि इसके सर में दर्द है। उन्होंने 8 बजे MRI की, हम गए थे करीब 2:30-3 बजे मणिपाल में MRI की, तो MRI में थोड़ा सा इशू आया, उसके सर में स्वेलिंग टाइप से कुछ आया। डॉक्टर ने बोला कि इसमें स्वेलिंग है तो न्यूरो से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो रात को 11 बजे हम उसको अच्छे से छोड़ कर आए थे, घर आए पहुंचे तो 1 बजे मणिपाल से कॉल आया कि बच्चे की धड़कनें बंद हो रही हैं हल्की हल्की, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। मेरे भाई के पास कॉल आया, मेरे भाई गया वहाँ पे, देखा ICU में वो आधे घंटे बैठने के बाद उसको लगा कि हाँ ये सच में इसकी धड़कनें बंद हो रही है, तो उन्होंने वेंटिलेटर पर ले लिया उसको। वेंटिलेटर पर लेने के बाद सुबह डॉक्टरों ने आपस में कोई और जांचें वाचे की उसकी और की, तो उन्होंने बोला कि बच्चा ब्रेन डेड हो चुका है। ब्रेन डेड, फिर वो बोले कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग अपने स्तर पे कुछ जो करना चाहो कर लो। अब हमारे जो भी जयपुर में जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट थे, जितने भी जो फेमस है, सबके पास इसका केस गया है हांसविक का, सब ने ये बोला कि ये बच्चा डेड है, कुछ भी नहीं है, इसका ब्रेन एकदम डेड हो चुका है, कोई मतलब नहीं निकलता, कोई माइनस मतलब बहुत 0.1 मान लो, इतना ही इसमें कुछ है जो है, और बच्चे में कुछ नहीं है, आप मतलब जो भी है देख लीजिए। फिर भी हमारी पता नहीं एक चमत्कार, एक उम्मीद माँ की, एक परिवार की उम्मीद, हम घूमते रहे, लिए रिपोर्ट, सब ने हमें नेगेटिव करते रहे। फिर 8, 9, 10, 11 तारीख को मैं दुर्लभ जी हॉस्पिटल, राजीव जी बंसल है उनके पास गई, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं डेड बच्चे की नहीं करता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, सॉरी। फिर हम उस वहाँ से ना उम्मीद लेकर आए, कोई हमारे जानकार है, उन्होंने बोला कि एशियन हॉस्पिटल है न्यूरो का, आप वहाँ पे जाओ। हम वहाँ गए, डॉक्टर ने बहुत बारीकी से रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो उनसे मैंने कहा कि ले लो सर, उन्होंने बोला कि चलो आप ले आओ, उन्होंने हाँ की, तो हमारी एक उम्मीद जगी कि उनको कुछ ऐसा पॉजिटिव दिखा है जो बच्चे को लेने के लिए उन्होंने बोला, तो हम सब बड़े खुश हुए। वहाँ लेकर गए, रात को 12 तारीख को दूसरे दिन 12 बजे सुबह डॉक्टर ने बोला कि इसका एक सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने वो जो पेमेंट पहले वाले दिन जमा करवाई थी, सेकंड डे हमने जमा करवा दी सर्जरी का, 1,10,000 समथिंग उन्होंने हमें बोला, तो हमने डिपॉजिट करवाया। उसके बाद सर्जरी होने के बाद 2 घंटे बाद उन्होंने हमारे परिवार के लोगों को बुलाया और कुछ लोहे की कुछ नुकीली टाइप से कुछ चीज थी उसके पाँव पे रगड़ के ऐसे दिखाया हमें, तो उसकी हल्का सा मूवमेंट पता नहीं लोहे की चीज से आया या कैसे, उसका पाँव टाइट था उस वजह से आया, हल्का झिनझिन सा हुआ। तो उन्होंने बोला देखो आपका बच्चा मणिपाल से बेस्ट है, यहाँ पे बेटर हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे बच्चे को भगवान ने चमत्कार इतना कर दिया, क्योंकि हम एक धार्मिक टाइप के लोग हैं, तो हमें तो चमत्कार के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि इसमें चमत्कार हो रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई।
फिर उन्होंने बोला कि बीपी की दवाइयां बंद कर दी हमने, वेंटिलेटर कम कर दिया है, 12 तारीख को पूरे दिन ये रहा कि भाई बच्चा ठीक होगा, हमारी इतनी उम्मीदें जग गई, 13 तारीख को फिर यही हाल रहा। अब शाम के टाइम जो 13 तारीख को पूरे दिन ये रहा कि बच्चा ठीक होगा, 13 तारीख की शाम के टाइम मेरा भाई और मेरी भाभी आईसीयू में गए तो वो लोग वहाँ का जो स्टाफ था वो मेरे बच्चे के चारों तरफ से ऐसे कर रहे थे, उनको क्या बोलते उसको CPR दे रहे थे उसको। अब मेरा भाई और भाभी डर गए कि क्या हुआ, बोले इसका हार्ट बंद हो गया। अब वो ये लोग बाहर खड़े हो गए, उनको बोला बाहर खड़े हो, थोड़ी मतलब 5-7 मिनट बाद उनको बोला कि उसका हार्ट चालू हो गया। हाँ उस टाइम भी हम बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि चलो बच्चे का हार्ट चालू हो गया। फिर हमने 14 तारीख को उनको बोला ECG कर दो, आपने इसका है ना जो ब्रेन का किया है, इसकी मतलब ब्रेन का सर्जरी करी है तो हमें भी तो आउटपुट मिले कि क्या इसमें सुधार हुआ है, आप इसकी MRI कर दो, EGG होती है वो कर दो, कुछ तो रिपोर्ट ऐसी दो जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे बच्चे में पॉजिटिव है कुछ। हाँ तो 14 भी हो गई, 15 भी हो गई, 16 भी हो गई, 17 भी हो गई, कुछ नहीं उन डॉक्टरों का कुछ भी हर टाइम, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता कि 13 तारीख की रात को ही वो खत्म हो गया तो वो डॉक्टर कुछ भी नहीं। 13 तारीख के बाद उन्होंने हमें खूब लूटना चालू किया, जो पैसे आज लाख करो आज 50,000 करो, 36-37 हज़ार रुपये की डेली दवाइयाँ, कभी SMS से मंगवा रहे हैं, कभी कहाँ से मंगवा रहे हैं, हम सब कुछ उनकी फरमाइश देते रहे उनको। 18 तारीख को मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बोला कि उन्होंने है ना दूध का बिल लिया है। मैंने कहा दूध का बिल किस लिए लिया है, बोले कि बच्चे को पिला रहे हैं। ये चीज उन्होंने हमें बोली तो मैंने मेरे भाई को फोन किया कि दूध और जूस पिला रहे हैं उसको, तो बोले दूध और जूस पिला रहे हैं, एकदम से वो ICU में जाके बोला कि आप दूध और जूस पिला रहे हो, हमें बताया नहीं, बोला हाँ इसको डाइजेस्ट हो रहा है। और फिर इसने बोला कि आउटपुट क्या है, दूध और जूस अगर पिएगा बच्चा तो आउटपुट तो कुछ तो होगा ना, लेकिन वो बोले कि आउटपुट तो कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताओ, जो बच्चा बिल्कुल ब्रेन से डेड था, उसकी पुतलियां, हमारे पास रिपोर्ट है मणिपाल में लिख कर दे रखा कि बच्चा ब्रेन से डेड है और आईज की जो पुतलियां वो बिल्कुल स्थिर हो चुकी हैं और उसकी आंखें एकदम निकली हुई थी, उसकी आंखों पे पट्टी थी, तो वो कैसे दूध पिएगा, कैसे वो जूस पिएगा। ये सब हमारी उम्मीदों पे उम्मीदें हैं कि हाँ बच्चा ऐसे बोला एक्टिव है। फिर पता नहीं रात को 18 तारीख की रात को मेरे को एक बेटे ने सपने में आके ऐसे बोला कि मम्मा मेरी तिये की बैठक कर दो ना, वो चीज उसकी मेरी ऐसी निचुड़ी कि मैं 3 बजे उठ के बैठ गई। मैंने कहा ये बेटे ने ऐसे क्यों बोला है, एक माँ हूँ, माँ को तो बच्चे की फीलिंग्स आएगी ना। फिर मैंने 5:30 बजे मैं हॉस्पिटल चली गई, मेरे को जो भी हमें पंडितों ने और ने जो भी बता रखा था हम सारे काम कर रहे थे। फिर हम SMS गए, SMS से हम JK Lohan गए, JK Lohan में वेंटिलेटर हमने बुक करवाया किसी से फोन करवा के। फिर बच्चे को हमने डिस्चार्ज के लिए बोला, उनको तो बोले 2-3 दिन और रख लो क्योंकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। हम बोले नहीं, हमें JK Lohan ही जाना है क्योंकि हमें वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह की हमने व्यवस्था कर ली है। जैसे ही एम्बुलेंस में उन्होंने आधे घंटे तक ICU में पता नहीं क्या किया, हमारे बंदे को हमने भेजे ICU में तो बोले बाहर बिठा दे, बोले आप जाओ बाहर हम अपने हिसाब से कर लेंगे। जो उसका ब्रेन में एक जो सर्जरी करी थी, एक पाइप लगाई थी तो उसमें से जो बोले फ्लूइड निकल रहा है वो पाइप भी उन्होंने टाके पट्टी कर दी। फिर जैसे उसको एम्बुलेंस में लेकर आए, एम्बुलेंस वाले डॉक्टर ने देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने बोला कुछ बच्चे में कुछ है तो नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हो आप, उनका JK Lohan ही तो बोला है ना भैया, JK Lohan ही तो लेकर जा रहे हैं, बोले इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी हमने JK Lohan हम लेकर गए, जाते ही डॉक्टर बोले ये तो मृतक बच्चा है, कुछ है ही नहीं इसमें। उन्होंने भी JK Lohan वालों ने भी कोशिश की लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। आप बताइए कि एक लाचार माँ, मैं तो रो रही हूँ, ठीक है मेरा बेटा तो गया, लेकिन जो आने वाले इस हॉस्पिटल में कितने लोग ऐसे हैं, जो कितनी माएं हैं जो पीछे रोकर गई हैं, अभी मैं रो रही हूँ, ऐसे ही आगे पता नहीं कितनी माएं रोएंगी। मेरे को न्याय ये चाहिए कि जैसा मेरे साथ तो ऐसा हुआ लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो, सिर्फ इस हॉस्पिटल की जाँच पड़ताल की जाए और जल्दी से जल्दी जो भी सरकार फैसला ले वो हमें मंजूर रहेगा, लेकिन इस हॉस्पिटल का जरूर से जरूर, ये हमारे हम डॉक्टर को भगवान समझते हैं, जो भगवान ही अगर रक्षक से भक्षक बन जाए तो कहाँ इंसान जीत रहेगा, ये बताओ। हमारे क्या हमारे इंडिया का कानून ऐसा ही है, क्या हम चुपचाप बैठ के सहते रहे, नहीं, इतना भी मत सहो कि माएँ रोती रहें और
कानून अपने आप में धुरंधर बनता रहे, लोग अपना फायदा उठाते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन थे वो डॉक्टर जो बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे थे? एक डॉक्टर थे, एक से ज्यादा थे, नाम वाम अगर आपको पता हो? उन्होंने बताया हमें SS राजा रत्नावत तो मेन डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया NK गुप्ता है, कोई कोई सैनी है, कोई पता नहीं डॉक्टर, उन्होंने 4-5 डॉक्टर्स के नाम बताए हमें, लेकिन हमें तो लग ही नहीं रहा था कि SS रानावत के अलावा वहाँ पे कोई डॉक्टर भी है क्या। रानावत जी भी एक बार 10 मिनट सुबह आते थे, कभी बाई चांस लिए वो शाम को 10 मिनट आते थे। वो हमारे बच्चे के लिए उन्होंने वो कर रखी कि हम दिन में इतनी बार उसके वो मतलब उसको देखने जाते थे, 7 या 8 बार उन्होंने लगा रखा कि 1500-1500 रुपए राउंड के, कि हम इतनी बार हॉस्पिटल उसको विजिट करते थे। बच्चे की क्या विजिट करते थे? कुछ नहीं, सब झूठे आडंबर है। खाली इस हॉस्पिटल में पैसों के अलावा कुछ नहीं है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा। इतनी मौतें होते वहां पे, हम 7-8 दिन रहे, 7-8 दिन में ना करते भी 15 से 16 मौत हमने खुद ने देखी है वहां पे होते हुए। आपने कभी खुद डॉक्टर से बात करी जितने दिन आपका बेटा हॉस्पिटल? हाँ, मैंने खुद ने डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे उम्मीद भी जगाई थी। उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से वायरस 15 दिन में होता है, मतलब कि 10 से 12 दिन लगते हैं वायरस को वापस घटते हुए, हमने 10-12 दिन इंतजार किया। उन्होंने बोला इंतजार कर लो, 10 से 12 दिन इंतजार किया हमने वहाँ पे। वहाँ से जैसे बच्चा 6 तारीख को बीमार हुआ, उस हिसाब से तो उस वायरस का मतलब कि 13 या 14 तारीख होती है, कि 13-14 ही होती है ना, हाँ 13-14, 10-8, 10 जो भी दिन थे उस हमने इंतजार किया, लेकिन उसके तो कोई मूवमेंट ही नहीं थी, कहाँ से उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता। आप कितने दिन आपको आपने अपने बेटे को इस हॉस्पिटल में रखा? 11 तारीख से 19 तारीख तक हमने आप इसमें रखा, इस हॉस्पिटल में रखा। तो इसमें एक बार भी आपको अपने बेटे से मिलने दिया गया? हम लोग मिलने गए थे, 13 तारीख के बाद वो बच्चे के हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले हम उसका थोड़ा बहुत टच करते थे बच्चे को, लेकिन 13 तारीख के बाद उन्होंने बोला बच्चे को टच मत करो क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक बार भी आपको छूने होने नहीं दिया, दूर से ही देखा? हाँ, 13 तारीख के बाद नहीं उन्होंने छूने दिया हमें। आप 13 तारीख से लगातार खुद अपने बेटे को देख रही थी, आपको ऐसा लगा कि बॉडी में कोई हरकत हो रही है, कुछ छोटा मोटा सा भी इम्प्रूवमेंट आपने नहीं देखा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह ही लेटा हुआ था, उसके पांव, उसके जो पांव थे उस पर स्वेलिंग आ चुकी थी बहुत, तो उन्होंने प्लास्टर पट्टी टाइप से कर दिया, बोले कि स्वेलिंग ज्यादा है कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पट्टी कर दी थी दोनों पैरों पे। आप जब डिस्चार्ज करवा रही थी तो तब आपने डॉक्टर से बात नहीं की? कि आपने पहले तो कहा था कि मेरे बेटे में कोई इम्प्रूवमेंट होगा और अब मुझे उसकी एक लाश टाइप में लेकर जाना पड़ रहा है। डॉक्टर ने तो बोला कि 2 दिन और रख लो, हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, तो उसमें कुछ था ही नहीं, तो क्या वो बोलेगा। और जब मेन डॉक्टर से हमने बात की कि हम लेकर जा रहे हैं, तो बोले ले जाओ, उन्होंने तो ये बोला। बिल कितने का बना? करीबन 10 से 11 लाख रुपए का बिल है। इतना बिल आया, आपने डॉक्टर से बात नहीं करी कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, डेड बॉडी हम लेकर जा रहे हैं, इतना पैसा हमारा आपने बेफिजूल का लगा? डॉक्टर ने बोला कि पैसे तो लगेंगे ना, और आप उनके बिल अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किस चीज का बिल है ये। उनको बिल, हमने जब 2 दिन पहले उनको ये बोला कि हमें बिल दे दो, आपने हमें 24,000 रुपए दिन का खर्चा बताया था उन्होंने हमें, और जिसमें उन्होंने 1,00,000 रुपए पर डे हमसे लिया, और 36 से 36,000 रुपए की मेडिसिन डेली ली है उन्होंने हमसे। और जब हमने उनको बोला कि हमें बिल दे दो, बोले डिस्चार्ज के टाइम हम बिल देंगे, अभी नहीं देंगे। फिर जब भी जाते 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लास्ट में 17 तारीख को उनको बोला कि बिल आज तो हमें बिल दे दो, जिससे हमें भी तो पता लगे ना क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि नहीं, जिस दिन आप डिस्चार्ज कराओगे उसी दिन हम आपको बिल देंगे। फिर हमारे घर वाले सारे पीछे पड़ गए, बिल तो दो हमें पता तो लगे, तो उन्होंने 2 दिन लगे बिल बनाने में, और 2 दिन के बाद उन्होंने 19 तारीख को हमें फाइनल बिल बना के दिया। हॉस्पिटल वालों का रवैया कैसा था जितने ड्यूरेशन आप रही है? वो किसी से बात ही नहीं करते, उनको कोई मतलब ही नहीं होता। उन हॉस्पिटल बना रखा है, हॉस्पिटल के जो बात उनके टॉयलेट है ना, कोई अंदर नहीं घुस सकता टॉयलेट के अंदर, कोई इतने बेचारे पेशेंट मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे रो रहे उसके वहां पे। एक तो चंदा मांगकर पेशेंट को लेकर आए थे, 8.5 लाख रुपए लेकर डेड बॉडी उनके हाथ में दे दी। एक न्यूरो का हॉस्पिटल है, एक कोई बीकानेर का था जिसकी छोटा सा उंगली कटी थी उसको वेंटिलेटर पे, 3 दिन बाद वो खुद ही उठ के आया, बोले मेरी उंगली कटी है तो वेंटिलेटर पे क्यों 3 लाख रुपए उसका बिल बना दिया। इतने पेशेंट हमने वहां पे देखा, तभी हमें ये समझ में आया ये पैसों का लुटेरा है, ना कि ये
ये भगवान नहीं, ये भक्षक है। क्या कहना चाहती हो गवर्नमेंट से? क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट आपको कैसे सहयोग करे? उस हॉस्पिटल की जांच पड़ताल की जाए, जितने भी वहां पर जो पेशेंट आज तक हुए हैं एडमिट, उस उन सब पेशेंट्स के बारे में उनका पूरा सब एक एक चिट्ठन उठाया जाए, वहाँ की हर एक एक चीज को, जो भी आईसीयू में लगे हुए हैं वेंटिलेटर्स वगैरह जो भी है, उनके सारे सिस्टम को अच्छी तरह जांचा जाए, तो सरकार को अपने आप पता लग जाएगा कि वहाँ का क्या सिस्टम है। मेरे बेटे का, मेरी बहन गई ऊपर तो देखा 210 बीपी है, मेरी बहन ने कहा 210 बीपी, उन्होंने बट एक ऐसा बटन दबाया कि 170 पे आ गया बीपी। तो वहाँ के जो इक्विपमेंट्स है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, सब कुछ धांधली है वहाँ, कोई भी 1% भी वो डॉक्टर हॉस्पिटल के नाम पे धब्बा है। और क्यों हम हमारी जनता को वहाँ, जो जाती है बेचारी भोली भाली जनता वहाँ जाती है, सिर्फ डेड बॉडी ही वहाँ से निकलती है। जी, शुक्रिया। सर मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानूंगी। सर आप खुद रहे हैं 10-12 दिन, आपने खुद ने देखा है, संघर्ष ही था एक तरीके से, बच्चा नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, और ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए क्या सरकार को करना चाहिए उन्हें बंद करने के लिए, रोकथाम के लिए? मैम ऐसे है, आज जो धांधली मेरे बच्चे के साथ की है, हम चाहते हैं इसमें कार्रवाई हो, किसी और पेशेंट के साथ, किसी और माँ के साथ या किसी पेशेंट के साथ ऐसी नहीं हो। सर ऐसा नहीं होता कि कई बार जब हमें भी जांच पड़ताल करके ही सही जगह का चयन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सभी ने जो डॉक्टर झूठी उम्मीदें दे रहा है उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जी, एक आश्वासन दे रहे हैं डॉक्टर, बच्चे के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई 13 तारीख के बाद में, कोई MI नहीं हुई, कोई CT नहीं हुई, कोई ICU जो भी रिपोर्टें होती है, कोई कुछ भी नहीं किया उन्होंने, झूठा दिलासा दे रखा था उन्होंने। तो देखिए पीछे मेरे जो तस्वीर लग रही है, ये बच्चा था हंसविक सरिया, इस बच्चे का नाम है, बड़ा ही क्यूट बच्चा है। मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस देखे इस बच्चे के, और जिस दिन मुझे पता चला था कि ऐसा हो गया उस दिन मुझे भी बेहद दुख हुआ था। देखिए जब हम कहीं जाते हैं किसी अपने मरीज को लेकर, किसी भी हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो थोड़ा सा हमें भी चयन करना चाहिए कि कहीं उस हॉस्पिटल में कोई गलत तो नहीं हो रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम होता, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं किसी ना किसी की जान बच जाए। लेकिन अब मैं यही कहूंगी गवर्नमेंट से भी, और उनकी माँ भी मेरे साथ बच्चे की मौजूद है, कि ऐसे हॉस्पिटल्स पर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं वो ढेरों खुल चुके हैं, ढेरों तरीके के झोला छाप डॉक्टर्स बैठ चुके हैं जिनके पास ना कोई डिग्री है ना कोई अनुभव है, और इस तरीके से अगर जाने जाती रहेंगी तो फिर देश में बचेगा ही कौन। सरकार से भी हम यही अपील करते हैं, इनके घर वाले भी मैं चाहूंगा CBI जांच की जाए पूरे हॉस्पिटल की। जी, पूरा चिट्ठा गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पब्लिक के सामने आना चाहिए ऐसे हॉस्पिटलों का। जी जी, तो देखिए इस तरीके के हॉस्पिटल्स के लिए उनका परिवार अपील कर रहा है कि CBI जांच, एटलीस्ट इस तरीके के हॉस्पिटल्स के लिए एक किसी अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो समय समय पर चेक कर सके कि इस तरीके के हॉस्पिटल्स में कहीं धांधली तो नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की, हो बेफिजूल का जो बिल लूटा गया। तो देखिए इतने बड़े एक हॉस्पिटल का इतनी मोटी फीस भी वसूलना, और फिर इस तरीके से डेड बॉडी थमा देना कि अब आपका बच्चा नहीं बचा है, तो ऐसे हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इनके परिवार का, इनके पेरेंट्स का यही कहना है कि वर्तमान सरकार को इन हॉस्पिटल्स पर लगाम रखनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके जो इनकी मांगे हैं CBI जांच की जो मांग करे वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए।